दोस्तों 21 जून रविवार को पड़ने वाला जो ग्रहण है वह साल का पहला सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास तो है, परंतु इन चार राशियों के लिए ये खतरनाक भी सिद्ध होने वाला है। इसलिए इन्हें सलाह दी जाती है कि ये उचित उपाय ग्रहण के समय कर ले, अन्यथा इस ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों दरअसल 21 जून को वल्याकार यानी फायर रिंग के रूप में ग्रहण दिखेगा। कुछ विद्वान इसे चूड़ामणि का नाम भी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ग्रहण जैसे जब कोई बड़ी घटना होती है तो ज्योतिष विचार में बताए गए विधानों के अनुसार इंसान की सभी 12 राशियों पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में इन चार राशियों पर इसका प्रभाव नकारात्मक जा रहा है, इसलिए इन्हें बेहद सावधानी की आवश्यकता है। तो जानते हैं उन चार राशियों के बारे में कि उन पर क्या असर रहेगा और कैसे उन्हें इससे निपटना चाहिए या क्या उपाय इन्हें करने चाहिए। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ग्रहण कितने लंबे समय का होगा और कितने बजे से लगेगा। दोस्तों ये ग्रहण 6 घंटा लंबा होने वाला है। 21 जून को सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:10 दोपहर में इसका पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पर ग्रहण समाप्त होगा, यानी करीब 6 घंटे का लंबा ग्रहण होगा। लंबे ग्रहण की वजह से इससे राशियों पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। 21 जून को पड़ने वाले ग्रहण का सूतक काल यानी जो सूतक लगता है वो आज 20 जून को शाम 9:15 से आरंभ हो जाएगा। यह सूतक काल 21 के ग्रहण के बाद 22 जून को सुबह 9 तक रहेगा। इसलिए दोस्तों इस समय में सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ इन सभी के कपाट बंद हैं। अब जानते हैं वे राशियां जिन पर इसका असर होने वाला है। वृषभ राशि, इस राशि के लोगों को सूर्य ग्रहण के प्रभाव से इनके परिवार में कलह हो सकता है, मानसिक अशांति ये दे सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी आपको हो सकती है। इन दो दिनों के बीच में आप कर्ज लेने से बचें या लेन देन से बचें, अन्यथा आपको हानि होना निश्चित है। आपको सलाह दी जाती है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जितना हो सके आप भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का बार बार अपने मन में जाप करें। दोस्तों अगली राशि है सिंह राशि। ग्रहण के कारण आपके नौकरी पर संकट आ रहा है। इस सूतक के दौरान आपके भाग्य में थोड़ी सी कमी होगी, जिस कारण आपके आय के साधन जैसे नौकरी या आपका व्यापार इत्यादि पर संकट गहराता नजर आ रहा है। इसके लिए आपको सूतक काल के दौरान जितना हो सके उतनी देर आप हनुमान जी के कोई भी मंत्र जपते रहे और हनुमान चालीसा का पाठ जब आप सुबह या शाम पूजा कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। अगली राशि है दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण माता पिता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। अधिकारियों से संबंध बनाकर रखें। नौकरी में भी स्थान परिवर्तन की संभावना है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस दिन आप महादेव के मंत्र जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है उसका जाप करें। जितना अधिक हो सके उतना आपको जाप करना है। अब बात करते हैं अंतिम राशि की। अंतिम राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहण रोमांस के मामले में उदासीनता लाएगा। अगर आपका प्रेम विवाह हुआ है तो आपको और भी अधिक संकट की संभावना नजर आ रही है। घर में क्लेश हो सकता है, यहाँ तक कि तलाक की नौबत भी आ सकती है। और अगर अभी आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके प्रेम में तकरार आ सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जितना हो सके इस दिन अपने साथी से कोई भी विपरीत बातें करने की और बेफिजूल किसी भी बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको झड़प लड़ाई झगड़े से बचना है। तो दोस्तों ये थी वे चार राशियां जिन पर संकट मंडराने वाला है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।